shut up and sit down. नमस्कार दोस्तों, इनसाइड स्टोरी इंडिया डॉट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा टैक्स लगाए जाने के विरोध में 5 अक्टूबर से सिनेमा घर संचालकों की हड़ताल चल रही थी। पिछले 21 दिन से मध्य प्रदेश में किसी भी सिनेमा घर में कोई फिल्म नहीं दिखाई जा सकी है। 21 दिन से मध्य प्रदेश में रहने वाले नागरिकों ने भी सिनेमा घर मतलब बड़े पर्दे पर कोई फिल्म नहीं देखी है और वो कब तक नहीं देख पाएंगे अभी ये कह पाना मुश्किल है। हालांकि बीते गुरुवार को सिंगल स्क्रीन के सिनेमा घरों ने अपनी हड़ताल वापस ली है और वह सिर्फ इस बात के लिए राजी हुए हैं कि चुनाव के बाद उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। फिर हाल ही में बैठक हुई जिसमें कि सिनेमा घर संचालक, मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव और संस्कृति विभाग के सचिव के बीच चर्चा हुई। चर्चा में ये बात सामने आई कि चुनाव के बाद इस उनकी जो मांग है टैक्स कम करने की, उस पर सिर्फ विचार होगा। बीच का रास्ता निकाला गया है, लेकिन मल्टीप्लेक्स संचालक इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि हड़ताल वापस ली जाए। फिलहाल सिर्फ सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर संचालकों ने हड़ताल वापस ली है और वह भी सिर्फ साउथ इंडिया की फिल्म, जो डब फिल्म होती है वो दिखाएंगे, इसके अलावा वह कोई फिल्म नहीं दिखाएंगे। इधर मल्टीप्लेक्स संचालकों ने कहा है कि वह मुंबई के जो एसोसिएशन है उससे बात करने के बाद ही कोई निर्णय लेंगे, फिलहाल उनकी स्ट्राइक जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक जो चर्चा के बाद सामने आया, अब तक मल्टीप्लेक्स संचालकों को लगभग 202 करोड़ रुपए 50 लाख का नुकसान बीते 3 हफ्ते में हो चुका है। एक आंकड़ा यहां बताया जा रहा है कि हर हफ्ते करीबन 15 लाख रुपए कोई भी मल्टीप्लेक्स संचालक कमाता है, जो कि उससे राजस्व प्राप्त होता है फिल्म के संचालन से, जिसमें पीवीआर, सिनेमोलिस और फन सिनेमा शामिल है। ये तीन बड़े मल्टीप्लेक्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में संचालित किए जाते हैं। इन तीनों की कमाई लगभग हर हफ्ते 15 लाख रुपए होती है। बीते 3 हफ्तों में इनका 202 करोड़ रुपए का नुकसान लगभग हुआ है। इसके अलावा कई बहुत बेहतरीन फिल्में जो मध्य प्रदेश में नहीं देखी जा सकी, जैसा कि सुई धागा सिर्फ 1 हफ्ते चली, उसके बाद हड़ताल होने की वजह से यहाँ पर वो नहीं दिखाई जा सकी। अंधाधुंध फिल्म थी जो रिलीज हुई हड़ताल के दौरान, लेकिन यहाँ पर नहीं देखी जा सकी। 26 अक्टूबर को, बीते शुक्रवार को भी कई फिल्में रिलीज हुई जिसमें नितिन मुकेश की फिल्म थी दशहरा, उसके अलावा गांव एक बहुत बेहतरीन फिल्म है, वो भी यहाँ पर नहीं देखी जा सकेगी। तो अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि मल्टीप्लेक्स में आपको कब तक फिल्म देखने को मिलेगी। तब तक आप अच्छी जगहों पर घूमने जाएं, इसके अलावा कोई और रास्ता मनोरंजन का फिलहाल मध्य प्रदेश के वासियों के लिए नहीं है। मल्टीप्लेक्स संचालकों का कहना है कि सरकार ने सबसे ज्यादा टैक्स मल्टीप्लेक्स पर ही लगाया है। मल्टीप्लेक्स संचालकों को 43% कुल टैक्स देना पड़ रहा है, जिसमें कि जीएसटी है, जिसमें नगर निगम का टैक्स है, और अब सरकार ने, राज्य सरकार ने मनोरंजन कर भी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कुल 43% टैक्स मल्टीप्लेक्स संचालकों को देना पड़ रहा है। यही वजह है कि वे 5 अक्टूबर से लगातार हड़ताल पर हैं और बीते 21 दिन से मध्य प्रदेश में सिनेमा घरों में कोई फिल्म नहीं चल रही है। तो अभी मल्टीप्लेक्स संचालकों की हड़ताल जारी है और उन्होंने अब तक ये नहीं बताया है कि उनकी हड़ताल कब तक जारी रहेगी। सरकार ने अपनी तरफ से उनको बुलाकर चर्चा की है और आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद उनकी मांग पर विचार किया जाएगा, लेकिन वह फिलहाल इस बात को लेकर राजी नहीं हुए हैं कि हड़ताल वापस ली जाए। तो मध्य प्रदेश वासियों को, मध्य प्रदेश में रहने वालों को और इंतजार करना होगा कि वह मल्टीप्लेक्स में जाकर अपनी पसंदीदा मूवी कब देखते हैं। फिलहाल फिल्मों का नुकसान, मल्टीप्लेक्स संचालकों का नुकसान और फिल्म प्रेमी जो दर्शक हैं उनका नुकसान बदस्तूर जारी है। इससे जुड़े अपडेट्स, सिनेमा घरों की हड़ताल से जुड़े अपडेट्स इनसाइड स्टोरी इंडिया डॉट इन आपको बताता रहेगा।
आपको ये वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, आपको जानकारी कैसी लगी ये भी बताते रहिए। फिलहाल इतना ही, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।